अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हेल्दी ब्रेकफास्ट, डिलीशियस। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 टेबल स्पून हमने देसी घी ऐड करा है। इसी के साथ हम 2 इलायची ऐड कर देंगे। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है, उन्हें सॉटे करेंगे। इसी के बाद हम अपना दलिया ऐड कर देंगे, खूब अच्छे से इसे भूंज लेंगे। जिससे ये लाइट पिंक हो जाएगा भुनने के बाद। अच्छे से फ्राई हो रहा है हमारा दलिया, खूब अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से घी की, इलायची की और दलिए की। ये बहुत हेल्दी है, सुबह का मज़ेदार ब्रेकफास्ट और बहुत जल्दी बन भी जाता है। इसी के साथ हम इसमें 1.5 कप दूध ऐड करेंगे। हमारा दूध रूम टेम्परेचर पे है। अभी हमने 1 कप डाला था, हम इसमें 1/2 कप और ऐड करेंगे। इसे खूब अच्छे से चला लेंगे जब तक थोड़ा सा गर्म ना हो जाए दूध और दलिया एक साथ। आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या इलायची खोल कर भी डाल सकते हैं उसके दाने। खूब अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा दलिया पक रहा है दूध में। अब हम चेक करेंगे, 90% हमारा दलिया गल चुका है। 10% अब हम हमारी शक्कर के साथ पकाएंगे इसे। हमने 1 बाउल दलिया लिया था, हम इसमें 1/2 बाउल शक्कर ऐड करेंगे, जितना दलिया था उससे 1/2, और बाकी जितना आपको मीठा लगे आप उस हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें कोकोनट, क्रश कोकोनट ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने काजू ऐड कर दिया है। अब हमने बादाम ऐड कर दिए हैं और चिरौंजी ऐड कर दिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी खूब अच्छे से गल जाए और इसके अरोमा जो रहता है वो बहुत अच्छा लगता है, इससे क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। अब हम इसे ढक कर 10 से 12 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें हमारी मलाई ऐड करेंगे। कुछ भी ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं भी करें, आप वैसे भी दूध में बना रहे हैं। मेरे पास मलाई थी तो मैंने मलाई ऐड कर दी। हमारा मज़ेदार ब्रेकफास्ट बन रहा है। हमारा दलिया तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। मज़ेदार खाएं, पिएं, एंजॉय करें। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।